हाय बच्चों, आज फिर एक नया टॉपिक रे ऑप्टिक्स का। और ये जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, इसमें हम लोग अभी तक रिफ्लेक्शन के दो वीडियोस देख चुके हैं, रिफ्रैक्शन का एक वीडियो देख चुके हैं। तो अगर आपने रिफ्लेक्शन वाला तो एकदम अलग हो जाता है, लेकिन अगर आपने अभी रिफ्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आपसे बोलूंगा, सबसे पहले आप रिफ्रैक्शन का पार्ट वन देखिए, बिकॉज ये जो पार्ट टू है वन का कंटिन्यूएशन है और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैं कुछ आपको ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा जो शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट के थ्रू। लाइक सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, आई नो, एंड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस जेई एंड नीट कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो बड़ा एक टफ प्लेटफॉर्म माना जाता है जहां पे बहुत ही सीरियस बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना चैनल लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप सीरियसली पढ़ें। कम लोग हों ज्यादा लोग हों उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बच्चा भी पढ़े और उसे समझ में आए, उसने अगर कमेंट लिखता है तो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, स्नेल्स लॉ के आगे बढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन हमने अभी देखा है, तो आज मैं आप लोग को अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट हाइट के बारे में बताऊंगा। अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट हाइट। कई बार आप लिक्विड में देखते हो, लिक्विड या कोई डेंसर मीडियम में, तो जो एक्चुअल हाइट होती है या डेप्थ होती है वो आपको नहीं दिखाई देती। आपको जो दिखाई देती है वो अपेरेंट दिखाई देती है, मतलब आप पानी में देखो तो आपको पानी का लेवल ऊपर उठा हुआ दिखता है, और जबकि ऐसा नहीं होता। आप स्विमिंग पूल में जाइए तो लिखा होता है कि जो उसका लेवल है, उसका डेप्थ है, दैट इज मोर देन व्हाट यू सॉ देयर, तो एक्चुअली इट इज डीपर देन व्हाट यू फील। तो यही वो अपेरेंट डेप्थ का ही कमाल है। तो इसके लिए मैं एक सबसे पहले अपेरेंट डेप्थ में स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाली हेडिंग, और इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा डेरिवेशन है और मैं चाहूंगा आप सब लोग इसको ढंग से समझना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट में बताना, आएगी नहीं दैट इज फॉर श्योर। ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर हम लिक्विड फिल करेंगे, और उसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप बाहर से देखोगे। मान लो इसके अंदर ये लिक्विड है, पार्शियल फिल भी ले सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आधा भर के। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेंटर में। अब ये रेयर मीडियम है, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है। म्यू वन म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, ये डेंसर है और बाहर क्या है बेटा, रेयर है। एक रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसे, आई है ये डेंसर से रेयरिंग में, रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ा बेंड कर गया, और इस ऑब्जर्वर को जो देख रहा है उसको रे मिली। ये ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जर्वर है उसे लगेगा दिस रे इज कमिंग फ्रॉम हियर, वो उसकी इमेज, इसकी इमेज यहां देखेगा। कुछ जरूरी नहीं है इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, थोड़ा सा होगा तो यहां दिखेगा, थोड़ा और ज्यादा होगा तो यहां दिखेगा, इस तरह से और बेंड कर जाए तो यहां भी दिख सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन म्यू, म्यू टू और म्यू वन के रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब छोटा मोटा हम लोग यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्राइंग करेंगे। ये मैं मान लेता हूं ए और ये मान लेता हूं बी, इसे मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए एक्स। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे पूरे चैप्टर में वो हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, तो साइन आई इज म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू
साइन आर, इसे वन लिख देता हूं। फिर बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे, ये आर है बेटा तो ये टोटल आर, और फिर ये आर हो जाएगा, ये आई है तो ये आई, अल्टरनेट एंगल है सारे। अब मैं ट्रायंगल ए बी, बी ए लिखता हूं, 90 डिग्री वाले पार्ट को हम लोग बीच में लिखते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है, वही लिखना चाहिए। ओ ए बी, एंगल ए इज 90 डिग्री, साइन आई, टेन आई, आई एम सॉरी, टेन आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एक्स बेस हो गया। अब टोटल जो डेप्थ है उसको एच मान लेते हैं, एपरेंट डेप्थ को स्मॉल एच मान लेते हैं, टेन आई इज एक्स अपॉन एच। ट्रायंगल आई ए बी, अगेन ए 90 डिग्री है, टेन आर, ये आर डिग्री है, एक्स अपॉन स्मॉल एच, मुझे स्मॉल एच चाहिए विच इज एपरेंट डेप्थ, तो स्मॉल एच ऊपर चाहिए तो 2/3 कर लेते हैं, इक्वेशन 2/3। तो राइट हैंड वाले को पहले लिख देता हूं एक्स अपॉन एच, एक्स अपॉन स्मॉल एच, देख बेटा एक्स कैंसिल हो गया, एच अपॉन एच आया, साइन आई अपॉन कॉस आई, साइन आर अपॉन कॉस आर। अब कुछ चेंज, साइन आई को रिप्लेस कर देंगे, अब देखो कैसे, इस चीज को मैं यहां लेके जा रहा हूं, स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच, साइन आई को मैं लिख देता हूं म्यू वन अपॉन म्यू टू साइन आर, कॉस आर को एज इट इज, नीचे कॉस आई है इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर आई, फिर साइन आई को रिप्लेस करूंगा साइन आर, ये गया बेटा। स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच म्यू वन कॉस आर अपॉन म्यू टू, साइन आई की वैल्यू वन से म्यू वन अपॉन म्यू टू साइन स्क्वायर आर, तो एच हो गया म्यू वन एच अपॉन म्यू टू कॉस आर वन माइनस इतना, ये हो गया हाइट। एपरेंट हाइट को रियल हाइट के टर्म में देखा मैंने, तो ये फॉर्मूला होता है, इसे याद नहीं करना, एक चीज इसमें लिखता हूं, इफ ऑब्जर्वर इज एट एग्जैक्टली अबव द ऑब्जेक्ट देन एंगल आर इज 0 डिग्री। अब ऑब्जर्वर यहां आ जाए तो आर 0 हो जाएगा, या अप्रोच करें तो कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, साइन 0 0 होता है, तो एपरेंट डेप्थ होगा म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू रियल डेप्थ, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, याद करना म्यू वन है म्यू ऑब्जर्वर का, म्यू टू है म्यू ऑब्जेक्ट का इंटू रियल एच। देखो ना ये ऑब्जर्वर का मीडियम है, ऑब्जर्वर का मीडियम है, ये किसका मीडियम है, ऑब्जेक्ट का है, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ म्यू ऑब्जर्वर है म्यू वन, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या है बेटा म्यू टू है। तो ये फॉर्मूला आया और ये बड़े काम का है, म्यू एच एपरेंट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इंटू रियल एच, यहां लिख रहा हूं। अब शिफ्टिंग कितना हुआ, शिफ्टिंग रियल तो है नहीं, एपरेंट शिफ्ट, इसको मैं रेड कलर से दिखाता हूं, एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ, एपरेंट शिफ्ट बेटा ये है, ये देखो ये एपरेंट शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, शिफ्ट एक्चुअल में होता नहीं तो एपरेंट ही कहलाएगा, तो शिफ्ट निकालना है
तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, देखो रियल है एच, एपरेंट है म्यू वन एच अपॉन म्यू टू, एच कॉमन ले लो, वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू, ये हो गया शिफ्ट। अब एक और खास बात, अब खास बात यह है जनरली म्यू ऑब्जर्वर वन होता है एयर एंड म्यू ऑब्जेक्ट म्यू, तो वहां पे अपरेंट हो जाएगा एच अपॉन म्यू और शिफ्ट हो जाएगा एच वन माइनस वन बाई म्यू। ये तुम्हारे स्कूल लेवल पे एयर और म्यू के साथ ही रिफ्रैक्शन कराया जाता है। तो एक बार इस प्रोसेस को दोबारा मैं बता दूं, समझ लो अच्छे से। देखो रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर है, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई जरूरी नहीं है लिक्विड हो, कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ग्लास के नीचे जो पेपर के नीचे पेपर वेट के नीचे जो कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं वो ऊपर उठे हुए दिखते हैं, पेंसिल अगर टिल्ट कर दो पानी में, एक रॉड डाल दो तो टिल्टेड दिखती है, ऊपर की तरफ दिखती है, तो वो ये रीजन है। और यहां पे हमने आपको पता है रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ रे जाओ ले जाओ, ऑब्जर्वर को अगर लगता हो यहां से आ रही तो उसकी इमेज यहां देख रहा है वो, ऑब्जर्वर की वेल चीज ऑब्जर्वर को लगता है वहीं से आ रही जहां से चली एक्चुअल में, तो रियल इज इक्वल टू अपेरेंट। तो यहां से गई और ऐसे टिल्ट हो गई, सीधे किया तो इमेज की पोजीशन आ गई। अब मैंने थोड़ा सा ड्राइंग किया, एक्स एज्यूम कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, पहले तो स्नेल्स लॉ लिखा मैंने, उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई किया और अपेरेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ आर। फिर एग्जैक्टली ऊपर ऑब्जर्वर है तो एंगल आर इज इक्वल टू जीरो, और ये मैंने बहुत ही काम का फॉर्मूला, अपेरेंट डेप्थ या हाइट भी यही है, फॉर्मूला यही है, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू रियल डेप्थ। शिफ्टिंग होता है टोटल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, ये शिफ्टिंग आ गया। शिफ्टिंग अगर एयर ऑब्जर्वर एयर में है, ऑब्जेक्ट म्यू में है, तो अपेरेंट इतना शिफ्टिंग इतना हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने देखा जो बड़े काम का है आप लोग के लिए, तो इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। अब अपेरेंट हाइट को देख लेते हैं बेटा, अभी तक हमने अपेरेंट डेप्थ देखा, अब अपेरेंट हाइट देख लेते हैं। मान लो ऑब्जर्वर इस बार डेंसर मीडियम में है, ऐसे ये ऑब्जर्वर है और ये नॉर्मल लाइन है, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से रे आ रही है, ऑब्जर्वर को ऐसे आई, बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, ऑब्जर्वर को लगा कि रे यहां से ना आके, यहां से ना आके यहां से आ रही है, जहां से भी ऑब्जर्वर को लगेगा सीधी रे ड्रॉ कर दो, आप सीधी रे ड्रॉ करो, वही इमेज पोजीशन हो जाएगा। तो अगर आप डेंसर से देखते हो तो खुद देख लो जरा, रियल एच जो है और अपेरेंट एच में क्या डिफरेंस है, यहां पे हाइट बढ़ जाएगी, यानी अगर आप 6 फीट के हैं और पानी के अंदर से कोई आपको देखे तो आप 8 फीट के लगोगे, इसके बाद आपको ये फॉर्मूला दूंगा। तो अगर आप 3 फीट के हैं तो आप 4 फीट के दिखेंगे, अगर पानी के अंदर से, वाटर एंड एयर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी आप डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम को देखोगे तो आप बड़े हुए दिखेगे, यानी आप मछलियों को आप बड़े दिखते होगे, जो जो पानी के अंदर होंगे उनके लिए पानी के बाहर वाले लोग बड़े दिखेंगे एक्चुअल साइज से। तो ये मान लिया आई, ये मान लिया आर, अब अगर आई ये है बेटा तो ये हो गया, आर ये है तो ये आर हो गया, तो ये आर हो गया। इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ नेम दे देते हैं, ए और ये बी दे देते हैं, जिसे एक्स बोल लेना, ये है म्यू वन, म्यू ऑब्जेक्ट हो गया, म्यू टू म्यू ऑब्जर्वर हो गया, यस ये आर है, कोई जरूरत इसकी नहीं है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, स्नेल्स लॉ से लिखोगे तुम म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। ओके बेटा, तो साइन आई हो जाएगा
म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आर। अब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगाते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं आई बी ए, एंगल बी 90 डिग्री है, बिल्कुल वही काम करना है। तो टेन आर एक्स अपॉन स्मॉल एच, ये दूसरा इक्वेशन। ट्रायंगल ओ बी ए, एंगल बी इज 90 डिग्री। अच्छा ये जान लो म्यू टू जो है वो म्यू वन से बड़ा है, ये डेंसर है, यानी ये डेंसर है, ये रेयरर है। टेन आई एक्स अपॉन एच, मुझे स्मॉल एच चाहिए तो 3 अपॉन 2 कर देता हूं, तो एक्स अपॉन स्मॉल एच टेन आई टेन आर, ये कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एच ऊपर चला जाएगा। थोड़ा एक आध स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, टेन आई को साइन आई अपॉन कॉस आई, टेन आर को साइन आर अपॉन कॉस आर, साइन आई को लिख सकते हैं म्यू वन अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आर, कॉस को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर आई, साइन की वैल्यू ये। एक आध स्टेप पिछले में आपने पढ़ा है तो थोड़ा मैं बेनिफिट ले लेता हूं। ये देखो बेटा कैंसल हो गया, अब आया म्यू टू एच अपॉन म्यू वन ये हो गया स्मॉल एच, ये आया फॉर्मूला। अब यहां भी वही वही सारा कॉन्सेप्ट यहां भी है कि अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे हो, इफ ऑब्जर्वर इज एग्जैक्टली बिलो द ऑब्जेक्ट देन एंगल आर इज 0 डिग्री, देन फ्रॉम इसे मैं 4 लिख देता हूं, ये 0 हो जाएगा। इसे हम एच अपरेंट म्यू टू यानी म्यू ऑब्जर्वर, म्यू वन यानी म्यू ऑब्जेक्ट इंटू रियल एच। इज देर एनी चेंज विद प्रीवियस वन? एग्जैक्टली देर इज नो चेंज, यही फॉर्मूला था म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इंटू रियल। अपरेंट डेप्थ हो अपरेंट हाइट हो, रट लो तुम लोग, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट होता है अपरेंट डेप्थ या अपरेंट हाइट, अपरेंट वर्ड यूज हो जाए तो म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। अब यहां पे शिफ्टिंग तो यहां पे नेगेटिव में होगी, बढ़ गई है तो शिफ्टिंग मैं नहीं निकालना। अब मैं एक चीज और लिख देता हूं, अगर इफ म्यू ऑब्जर्वर म्यू टू म्यू हुआ एंड म्यू ऑब्जेक्ट एयर हुआ देन अपरेंट इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। जैसे मैंने बोला ना वाटर 4/3 होता है, तो अपरेंट डेप्थ 4/3 टाइम्स रियल। ग्लास के अंदर से देखो तो 3/2 अपरेंट होगा 3/2 एच। तो ये छोटे मोटे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो नोट कर लीजिए। आपने एक फॉर्मूला देखा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इन दोनों हेडिंग की खोज है, अपरेंट डेप्थ या अपरेंट हाइट क्या होगा, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, आप एक और अगेन मैं बड़ा कई बार खुद से फील करता हूं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं हेडिंग कवर करता हूं मुझे लगता है यार ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर अगर आप बुक ओपन करोगे तो आपको खुद लगेगा, एंड आई एम श्योर जब ये आज का लेसन खत्म होगा, आपका वीडियो खत्म होगा, तो यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर। देखते हैं और आप बताना मेरे को, अपरेंट डेप्थ इन केस ऑफ ग्लास स्लैब एंड मल्टीपल ग्लास स्लैब। तो ऐसा करते हैं मल्टीपल ग्लास स्लैब लेते हैं, फिर एक तो आराम से आ जाएगा तो थोड़ा टाइम बचाएंगे इसी में। ग्लास स्लैब लेते हैं ढेर सारे, 3-4 तो लेते ही हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया,
ये मान लो म्यू वन है, ये मान लो म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, बाहर म्यू फोर एयर भी ले सकते हो। सबकी थिकनेस देख लेते हैं। इसकी थिकनेस है बेटा टी थ्री, सीक्वेंस में लेंगे थोड़ा इजी रहेगा, याद करना भी तो होता है, टी टू टी वन। अब हमें नहीं पता कौन ज्यादा डेंसर है, कौन कम डेंसर है, कौन रेयर है, ये हमें कुछ नहीं पता। आपने अभी अभी पढ़ा है एपरेंट डेप्थ इज म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू रियल डेप्थ। इफ म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जेक्ट, दैट इज बोथ both who observer and object are in same medium, then apparent is equal to real, you know this। तो आप इतना श्योर जान लो कि अगर दोनों सेम मीडियम में, जैसे आप क्लास में बैठते हो तो आपका दोस्त, आपके टीचर्स जो दिख रहे हैं वही एक्चुअल है। लेकिन अगर आपके टीचर या आपका दोस्त किसी डिफरेंट मीडियम में हो, डेंसर मीडियम में हो, रेयरर मीडियम हो, तो जो आपका आपके आप और उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो दिखेगा उससे ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अभी मैंने बोला कि जब दोनों सेम है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो रियल इज इक्वल टू एपरेंट। तो अब मान लेते हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। अब अगर यहां रखा हुआ है तो बेटा से उसी मीडियम ए तक का डिस्टेंस क्या होगा, ब्लैक पेन यूज करता हूं, ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या होगा, ओ ए क्या होगा, इट इज टी वन ओनली, सेम मीडियम में हमने। लेकिन जैसे मैं ए डैश जाता हूं, ए डैश मतलब नेक्स्ट मीडियम, तो मैं पहुंच जाता हूं म्यू टू में, ऑब्जेक्ट होता है म्यू वन में, तो ओ ए डैश ऑल दो फिजिकली इतना ही है, बट अब म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इंटू रियल डेप्थ हो जाता है। अब मैं टू में आ चुका हूं, मैं मान के चल रहा हूं सब कुछ टू में है, तो टू में जितना भी मैं मूव करूंगा जस्ट बिफोर द लाइन बी पॉइंट ओ बी, अब जितना भी हमने लिया है ओ ए डैश, इसमें टी टू एड कर लेंगे बस, ये टी टू। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूं, जैसे ही थ्री में गया, ऑल दो फिजिकली कोई चेंज नहीं किया बट मीडियम चेंज हो गया, तो अब मैं ऑब्जर्वर हो गया म्यू थ्री, ऑब्जेक्ट म्यू टू इंटू ओबी। अब मैं थ्री में आ गया, तो थ्री में अगर मैं और मूव करता हूं तो मुझे बस टी थ्री एड करना होगा, ये मान लो सी पॉइंट है, तो टी थ्री प्लस ओबी डैश। लेकिन मैं अगर सी डैश पे आ गया जहां पे ऑब्जर्वर है, मान लो ये ऑब्जर्वर है जो म्यू फोर में है, फिजिकली कोई चेंज नहीं बट मीडियम चेंज है, तो म्यू ऑब्जर्वर म्यू ऑब्जेक्ट थ्री में हम थे ओसी, इसी को हम एच एपरेंट बोलेंगे। एच एपरेंट क्या हो गया, ओसी डैश म्यू फोर अपॉन म्यू थ्री। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, म्यू फोर अपॉन म्यू थ्री, ओसी को लाओ, टी थ्री प्लस ओबी डैश, ओबी डैश को लाओ, ओबी डैश म्यू थ्री अपॉन म्यू टू, ओबी ओबी को लाओ, बड़ा सा चेन बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, ओए डैश को लाओ म्यू टू अपॉन म्यू वन टी वन, इसको यहां ले जाओ म्यू थ्री अपॉन म्यू टू टी टू। अब बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, ये गया अंदर, भेज दो सबको, म्यू फोर अपॉन म्यू थ्री टी थ्री यहां भेजो, म्यू थ्री कैंसिल, म्यू फोर अपॉन म्यू वन टी वन अंदर भेजो, म्यू थ्री कैंसिल, म्यू फोर अपॉन म्यू टू। एक काम करते हैं, सबसे म्यू थ्री कॉमन, म्यू फोर कॉमन ले लेते हैं,
सीक्वेंस में लिख देते हैं, वन पहले लिखते हैं, टी वन अपॉन म्यू वन, टी टू अपॉन म्यू टू, टी थ्री अपॉन म्यू थ्री। इससे अच्छा कोई सीक्वेंस नहीं मिल सकता आपको, चेक कर लो ना, तो तरीका मिल सकता है याद करने का इससे अच्छा। म्यू फोर यानी जो ऑब्जर्वर का म्यू है, बाहर किया तो टी वन अपॉन म्यू वन, जिसका थिकनेस उसका म्यू प्लस जिसका थिकनेस उसका म्यू, जिसका थिकनेस उसका म्यू। तो इसको मैं लिखवाता हूं एच एपरेंट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा टी आई अपॉन म्यू आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन कर लो, यानी जितना सारा ग्लास लैब लगाना चाहो लगा दो, यू विल गेट दिस आंसर। तो आई होप ये आपको कभी नहीं भूलेगा पूरी जिंदगी। अब इसमें एक चीज और बता रहा हूं मैं, एपरेंट शिफ्टिंग रियल तो कुछ होता नहीं है, एपरेंट शिफ्ट हमेशा रियल डेप्थ होता है और माइनस एपरेंट होता है। तो रियल डेप्थ बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 था, एपरेंट हुआ म्यू फोर T1 अपॉन म्यू वन, T2 अपॉन म्यू टू, T3 अपॉन म्यू थ्री। तो T1 को एक साथ लिखो, T2 को एक साथ, T3 को एक साथ। ये आप लोग देख लेना, बॉर्डर पे ही है। तो ये अपरेंट डेप्थ हुआ। अब एक छोटा सा और एजम्पशन यहीं पे, इफ म्यू ऑब्जर्वर इज म्यू फोर इज वन, एयर मान लो, तो अपरेंट कितना होगा, T1 अपॉन म्यू वन, T2 अपॉन म्यू टू, T3 अपॉन म्यू थ्री, ये हो जाएगा एपरेंट। और शिफ्ट कितना होगा बेटा, T1 वन बाई म्यू वन, T2 वन माइनस वन बाई म्यू टू, T3 वन माइनस वन बाई म्यू थ्री। समझ में आया आप लोग के, पूरे अच्छे से देखिए। अब एक चीज और बता देता हूं, फिर इसको एक बार रिवाइज करेंगे। फॉर वन स्लैब, मान लो ये ग्लास स्लैब है, टी थिकनेस है इसकी, म्यू है, तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो यहां दिखेगा एच एपरेंट, ये होगा एच एपरेंट। बाहर मान लो वन है, ज्यादातर यही मिलेगा तुम्हें, तो एच एपरेंट होगा टी बाई म्यू, और शिफ्टिंग होगी टी वन माइनस वन बाई म्यू। आई होप अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत काम आने वाला, तुम लोग देखना, मैं प्रूव कराऊंगा कैसे। सेम मीडियम नो चेंज, जैसे मीडियम चेंज किया तो ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो O से A तक T1, जैसे मैं A डैश पे गया तो म्यू टू अपॉन म्यू वन आ गया इनटू रियल। अब मैं 2 में आ चुका हूं, तो 2 में जितना मूव करूंगा कोई चेंज नहीं आएगा, एक्चुअल होगा वो लेंथ या डेप्थ। लेकिन यहां के बाद जैसे मैं मीडियम चेंज करूंगा, मैं 3 में आ गया तो म्यू थ्री अपॉन म्यू टू इंटू द हाइट, फिर मैं म्यू थ्री में आ गया, म्यू थ्री मूव करूंगा कोई चेंज नहीं, जैसे मैं म्यू फोर में जाऊंगा तो म्यू फोर अपॉन म्यू थ्री इंटू डेप्थ हो जाएगा। सॉल्व किया और काफी इंटरेस्टिंग चीज आ गई, म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा टी आई अपॉन म्यू आई, म्यू ऑब्जर्वर म्यू फोर है, टी वन अपॉन म्यू वन, टी टू अपॉन म्यू टू, टी थ्री अपॉन म्यू थ्री। जनरली म्यू ऑब्जर्वर एयर होगा तो वन ले लेना, इस सिंपल सा फॉर्मूला। शिफ्टिंग हमेशा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल इतनी थी, एपरेंट इतनी, निकाल लिया। अगर ये एयर है तो कितना है वो भी देख लिया। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप पॉज करो स्क्रीन को और फिर कॉपी कर लो इसको। लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ग्लास स्लैब लिया, इसमें लेटरली कितना रे आगे बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल कितना उसमें चेंज आएगा, ये दोनों देखते हैं। मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे मान लो,
अब ये ग्लास स्लैब नहीं होता बच्चे, तो खुद इमेजिन करो जरा, अब ये ग्लास स्लैब अगर नहीं होता तो ये रे शायद ऐसे निकल जाती, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से ये इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। मान लो यहां बेंड की, अब तुम्हें अच्छी तरह से पता है आई से आर हुआ एयर से ग्लास में जाने पे, ये आर है तो ये भी आर। अब ग्लास से एयर जाना है तो आर से आई हो जाएगी, रिवर्सिबिलिटी ये, तो इस तरह से ये दोनों पैरेलल ही निकलेंगे। अब जितना ये पैरेलली शिफ्ट हुआ उसे हम लेटरल शिफ्टिंग बोलेंगे। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं यहां पे इस पैरेलल लाइन को, और यहां पे इसको देखा जाए तो ये इमेज बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो शिफ्टिंग होगा ये बेटा लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट हुआ, एंड लॉन्गिट्यूडनल जो शिफ्ट होगा वो उतना ही होगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इतना मैटर इसकी है यहां पे। तो थोड़ा बहुत इसमें भी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग करेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो बेटा ऐसा करता हूं, ये टोटल आई है तो ये एंगल होगा आई माइनस आर, पी क्यू आर ये लाइन एस ले लेता हूं। तो अब यहां लिख रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखिएगा, बाय स्नेल्स लॉ वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। अब यहां पे इंट्रैंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कॉस आर। इस ट्रायंगल में कॉस आर होगा पी क्यू थिकनेस है टी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PR को PR ही रहने देता हूं। तो यहां से PR मैं लिख सकता हूं T अपॉन cos R, इक्वेशन 2। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल PSR, एंगल S इज 90 डिग्री, यहां पे साइन R, साइन वाला एंगल अप्लाई करते हैं साइन I माइनस R, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है L अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया PR, तो L इज इक्वल टू PR साइन I माइनस R, नोट कर लिया बेटा। अब PR की वैल्यू यहां पुट करनी है हमें, तो देखो ध्यान से PR की वैल्यू यहां पुट करनी है, आंसर आ जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3, L इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू T अपॉन कॉस आर, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हो गया। तो आई एम श्योर तुम लोग को यह समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं। अभी इसके बाद नोट कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब इसका यूज देखते हैं कहां पे आता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, वैसे तो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो। ये कई कई बार लेंस है, मिरर है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बीच में ग्लास स्लैब ला दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि इमेज साइड में हो जाता है। तो ये जो ग्लास स्लैब है शिफ्टिंग कैसे देता, कैसे चेक करोगे, वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, अब यहां पे इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल एंड देन अल्टीमेटली पैरेलल हो जाएगी, तो ये एक्सटेंड करोगे तो यहां आ जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट था बेसिकली उसके इमेज बनाते, इसे ओ डैश मान लेते हैं, और इस मीडियम से जो एक्चुअल ये डिस्टेंस होना चाहिए था, मान लो एक्चुअल एक्स है,
अब उस x से ये माना जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा, इसका थिकनेस t अगर है तो ये होगा x माइनस t1 माइनस 1 बाई म्यू। ये इसमें से इतना कम, बेसिकली ये कितना आता है बेटा t1 माइनस 1 बाई म्यू, तो उतना कम हो जाएगा। तो जो ये मेजरमेंट आप करते हैं, आप उसकी जगह पे t1 माइनस 1 बाई म्यू कम करके करोगे। तो ये ग्लास स्लैब का रोल और कोई रोल नहीं है। यहां भी देखो, मान लो यहां से कोई रह गई ऐसे इमेज बनाने के लिए ऐसे, अब बेटा इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। थोड़ा और क्लियर डायग्राम देता हूं मैं आपको, ज्यादा टिल्ट करेंगे थोड़ा क्लैरिटी और आएगी। इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल और अल्टीमेटली यहां आ जाएगी। एक्चुअली ये यहां जा रही थी बट अब वो शिफ्ट कर गई आगे की तरफ। कितना शिफ्ट की? टी वन माइनस वन बाई म्यू। तो रे को आगे शिफ्ट कर दे रहा है t1 माइनस 1 बाई म्यू यहां भी, यानी यहां, लेकिन डिस्टेंस कम कॉज किया, वहां डिस्टेंस उसने बढ़ा दिया। पहले आपकी जैसे अगर ये केवल लेंस से इमेज देखते तो इमेज यहां आती, लेकिन इस ग्लास स्लैब से एक्चुअल इमेज यहां आ गई, यहां पे बनी इमेज। कितना आगे बनी? तो कैलकुलेट करोगे लेंस से डिस्टेंस, उसमें इतना और एड कर देना, यहां पर यह गिवेन होगा उसमें इतना सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यह इसका रोल हो गया। और भी इसकी चीजें मैं बताता हूं आपको। अब बेटा इसमें रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं दो ऑब्जेक्ट का, या दो ए और बी, दो पॉइंट का, दो ऑब्जर्वर का, दो ऑब्जेक्ट का, दो पर्सन का, एक बर्ड, एक कोई पर्सन, एक पानी में फिश है, एक कुछ और। तो इस तरह से रिलेटिव स्पीड क्या होगा? आपने अगर पेपर लास्ट ईयर के पिछले सालों के फॉलो किए हो तो अभी हाल ही में एक जेई में क्वेश्चन आया था कि पोल रखा हुआ है एक बड़े लेक में, तो पोल के स्टॉप पॉइंट से एक बॉल नीचे गिरता है किसी पर्टिकुलर टाइम बाद, दो सेकंड तीन सेकंड बाद, उसकी स्पीड वाटर में जो फिश होगी उसको कितनी दिखाई देगी। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था, एक बर्ड है किंगफिशर, वो फिश को अप्रोच करती है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो फिश को उसकी स्पीड कितनी आती हुई दिखेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे है, और आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो। तो मैंने रिलेटिव मोशन आप याद करो जब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने ये डायग्राम बनाया था। कोई अगर फिक्स पॉइंट है, यहां से अगर हम रेफरेंस ले, ये एक्स है, और ये पर्सन वॉल की तरफ जाए तो वी होता है माइनस डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज डिस्टेंस कम हो रहा है। सिमिलरली अगर ये फिक्स पॉइंट से दूर जाए इधर को, तो ये प्लस dx by dt होता है, प्लस dx by dt होता है। ये जो हैचिंग है ये वॉल है, मिरर मत सोच लेना। अब छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला, ये मान लो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ये है a, ये है b, इसे म्यू ए म्यू बी लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। अब मान लीजिए ये मूव कर रहा है इधर, ये बी है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी एज सीन बाई ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए एज सीन बाई बी। दोनों इक्वल ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ये थोड़ा अलग है, ऐसे मत कर देना। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका देखो, मैं बता रहा हूं। इसे एक्स बी मान लो, इसे एक्स ए मान लो। पहले ये पता करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ बी एच सीन बाई ए क्या होगा? तो बेटा ए ऑब्जर्वर हो गया, डिस्टेंस ऑफ लिख देता हूं, चलो पहला है ए, आई एम सॉरी, बी एच सीन बाई ए, ए ऑब्जर्वर हो गया। फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्वर टी आई अपॉन म्यू आई, ये हो गया। अब तुम्हें डिफाइन कर लेना होगा वी है क्या। तो बेटा ये वी एक्स बी का रेट ऑफ चेंज है, ये फिक्स है, तो अब स्पीड ऑफ बी एज सीन बाई ए इज डी अपॉन डी टी,
डिस्टेंस ऑफ बी एज सीन बाय ए, एक्स ए कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये एक्स बी है, इसकी वैल्यू माइनस वी, ये आंसर हो गया, है ना इजी। अब दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। मुझे चाहिए स्पीड ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए एज सीन बाय बी देख लेते हैं। अब बेटा बी ऑब्जर्वर हो गया तो म्यू बी, उसके बाद एक्स ए अपॉन म्यू ए, एक्स बी अपॉन म्यू बी। स्पीड चाहिए तो डी बाई डी टी, डिफरेंशिएट करोगे एक्स ए फिक्स है और म्यू बी कैंसिल तो माइनस बी, तो ए की स्पीड बी दिखेगा माइनस बी, माइनस का मतलब अप्रोच क्लोजर जा रहा है। तो क्या सीखा आप लोगों ने, मान के चलो कि पहले डिफाइन कर दो वी है क्या फिक्स पॉइंट से, तो हमने डिफाइन किया डी एक्स बी बाई डी टी, फिर उसके बाद जो स्पीड चाहिए उतना डिस्टेंस निकाल लो, जैसे वेलोसिटी स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए तो डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो यानी ऑब्जर्वर वही है तो म्यू ऑब्जर्वर से ऐसे फॉर्मूला निकाल लो और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, डिफरेंशिएट कर दो आंसर मिल जाएगा, लेकिन डिफाइन करना जरूरी है, अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो दिक्कत है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, अब इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, मीडियम बाउंड्री को ही मूव करा दिया, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल माना जा सकता है लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसे x2 मान लेता हूं, अब 2 और b जानबूझ के चेंज लिख रहा हूं क्योंकि आप कई बार बच्चे रट लेते हैं, तो मैं चाहता हूं रटो याद होना चाहिए बट समझ में पहले आना चाहिए, तब रटो तब ठीक रहता है। इसे x1, तो x पोजीशन ऑफ a एज सीन बाय b, तो b ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर तो b यानी म्यू टू, उसके बाद तो लिखना एकदम इजी है। अब बेटा पहले डिफाइन करो v है क्या, v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी, देखो ना ये डिस्टेंस कम हो रहा है, एंड v इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस डी एक्स, एक्स वन बाई डी टी डी एक्स टू बाई डी टी, एक्स टू बढ़ रहा है एक्स वन घट रहा है, तो v को डिफाइन कर लिए। अब स्पीड ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b होगा d बाई डी टी, इधर देखो म्यू टू अपॉन म्यू वन और म्यू टू कैंसिल हो गया, डी एक्स वन बाई डी टी इज माइनस डी एक्स टू बाई डी टी इज प्लस, तो ये वन माइनस ये आ गया स्पीड ऑफ ए एज सीन बाई बी। अब दूसरा वाला लिख लेते हैं, एक्स ऑफ बी एज सीन बाई ए, तो ए ऑब्जर्वर हो गया बेटा, ए ऑब्जर्वर यानी म्यू वन, एक्स वन अपॉन म्यू वन, एक्स टू अपॉन म्यू टू, स्पीड ऑफ बी एज सीन बाई ए तो डी बाई डी टी एक्स ऑफ बी एज सीन बाई ए, डिफरेंशिएट करो अंदर भेजो वन हो जाएगा डी एक्स वन बाई डी टी म्यू वन अपॉन म्यू टू डी एक्स टू बाई डी टी, डी एक्स वन बाई डी टी वॉज माइनस वी वन माइनस वी और ये प्लस वी, तो v कॉमन ले लो ये आ गया। तो आई एम श्योर आप लोग को ये समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, एक और अब मीडियम को मूव करा दे रहे हैं, दो मीडियम हो गए बल्कि तीन मीडियम हो गए, बीच में भी एक मीडियम है, तो यहां भी वेलोसिटी ऑफ a एट सीन बाई b क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b एट सीन बाई a क्या होगा, ये मान लो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो डिफाइन कर लेते हैं v1 इज माइनस डी एक्स वन बाई डी टी, v1 है ये v2 है, v2 इज माइनस डी एक्स थ्री बाई डी टी, और बेटा x2 का रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर ध्यान से सोचो तुम लोग ट्वेल्थ में हो
या ट्वेल्थ पास कर चुके हो तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में डी एक्स टू बाई डी टी। तो ये खास हो गया, बाकी तो पुराना क्वेश्चन है। अब मान लो एक्स ए एज सीन बाई बी, तो बी ऑब्जर्वर हो गया। अब बी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है, ये बी है तो म्यू थ्री। उसके बाद तो सब चीजें आपके लिए बहुत आसान है। वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, ये कैंसिल हो जाएगा म्यू थ्री बाई म्यू वन डी एक्स वन बाई डी टी माइनस वी डी एक्स टू बाई डी टी वी वन प्लस वी टू और ये माइनस वी टू ये वी वन। तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली ये आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, आई एम श्योर लिख देता हूं आपसे कैसे पता चलेगा आपने किया। तो एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब ए ऑब्जर्वर हो गया बेटा, तो हो जाएगा ए का म्यू वन अपॉन एक्स वन, म्यू टू अपॉन एक्स टू, म्यू थ्री अपॉन एक्स थ्री। स्पीड चाहिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स वन बाई डी टी उल्टा लिख दिया, देखो जल्दी जल्दी में म्यू वन अपॉन म्यू टू डी एक्स टू बाई डी टी, म्यू वन अपॉन म्यू थ्री डी एक्स थ्री बाई डी टी। अब डी एक्स वन बाई डी टी माइनस वी वन है, डी एक्स टू बाई डी टी देखो उधर v1 प्लस v2 है, ये माइनस v2 है। तो ये आंसर आ गया, दोनों आप लोगों ने निकाल लिया। अब वो एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो जेई में आया हुआ है, जो जेई और नीट में बहुत पूछा गया इस टाइप से क्वेश्चन कि मान लो ये कोई एक बर्ड है, मान लो ऐसे ऐसे अप्रोच करती है 24 मीटर पर सेकंड से, ये एयर है, ये वाटर है 4/3, कुछ और भी स्पीड हो सकता है, तो इस फिश को कितना दिखाई देगा इसकी स्पीड। तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। तो बर्ड का डिस्टेंस मान लो एक्स है, ये मान लो वाई है, तो dx by dt minus is equal to 24। अब डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, फिश ऑब्जर्वर हो गई तो म्यू ऑब्जर्वर y अपॉन म्यू x अपॉन 1, तो ये हो गया बेटा y प्लस म्यू x। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश होगा d by dt पोजिशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, सो इट इज डी वाई बाई डी टी प्लस म्यू डी एक्स बाई डी टी। वाई इज कॉन्स्टेंट सो इसका डिफरेंसिएशन जीरो म्यू टाइम्स, और ये माइनस 24, माइनस बताता है कि अप्रोच कर रही है, माइनस म्यू की वैल्यू 4/3 इंटू 24 8 माइनस 32 मीटर पर सेकेंड दिखेगी। डेंसर से रेयर देखो तो ज्यादा दिखेगी, रेयर से डेंसर देखोगे तो कम दिखेगी। तो आई एम श्योर आपने इस चैप्टर से बेनिफिट उठाया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो नेचुरली कमेंट करिए, हमें वहीं से पता चलता है। और कोई हमें सजेशन देना हो दीजिए। इसके बाद प्रिज्म का केस पूरा एक मैं एक वीडियो लाऊंगा, और फिर लेंसेस के वीडियो लाऊंगा, आप इस सीक्वेंस में आप पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना रखे हैं
और वीडियो सर्च भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस का कवर कर रखा है, अभी कुछ पार्ट छूटा हुआ है, श्योरली वो नियर फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो एक महीने बाद देखोगे डे ऑफ पब्लिशमेंट के, तो आपको मिलेगा सारा वॉल्यूम हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।